अबतीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक विद मुतीम अहमद में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, वतन अज़ीज़ में एक तरफ तो फॉरन या ममनुआ फंडिंग रेफरेंस की गूंज है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में रस्सा कशी है। पंजाब और विफाक के ऐवानों में गैर यकीनी की फिजा कायम करती है। इसके कानूनी और सियासी असरात पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमर दिलशाद साहब। कमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, ये फरमाइए कि स्पीकर कौमी असेंबली ने इमरान खान की नाअहली के लिए एक रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है, जो इत्तलात के मुताबिक उन्होंने रिसीव भी कर लिया है। उसमें कहा गया है कि इमरान खान ने तोशाखाने से लिए गए तहाइफ जो है वो असासों में जाहिर नहीं किए, तहाइफ बेचकर जो रकूम हासिल हुई वो गोशवारों में जाहिर नहीं की, लिहाजा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उन्हें नाअहल करार दे दिया जाए। ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मुमकिन है कि इसकी बेसिस पर, इम्कानात की बात कर रहा हूँ, क्या इम्कानात हैं कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जा सकता है? इन पर इमरान खान जो है इस पर बहुत से अदालती मामलात में और इलेक्शन कवानीन के लिहाज से और हमारा जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 17 उसकी गिरफ्तार में आ चुका है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो रेफरेंस दाखिल होता है उसको बड़ी आईनी और कानूनी तहफ़ हासिल होता है। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने जो इन पर कहा है कि इन्होंने गोशवारों में जो ने तोशाखाने से बेचे हैं 18-20 करोड़ के लगभग हैं, 18-20 करोड़ रुपए की जो रकूम है वो उन्होंने तीन जगहों पर उसको छुपाया है। सबसे पहली अहम बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हर साल असासे जो एसेट लाइबिलिटीज के बारे में मेम्बरान कौमी असम्बली से बाकायदा एक रिपोर्ट हासिल करता है, उससे असासे कोई बाकायदा डॉक्यूमेंट हासिल करता है, उस उनके असासों में भी उसका जिक्र नहीं है। और आप हैरान होंगे कि कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उस सारे उनके असासे चेक भी कर लिए, वो देख भी लिए। उन्होंने कहा है कि जिसमें कोई जिक्र नहीं किया इमरान खान साहब ने ये दो जो 18-20 करोड़ के लगभग जो उन्होंने तोशा खान से बेचे हैं, बेशुमार चीजें बेची, 18-20 करोड़ बनता है वो, तो 18-20 करोड़ रुपये का जिक्र कहीं भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अहम ये है कि जो FBR में सालाना गोशवारे जाते हैं 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट होती है, उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो ये दो मामलात ऐसे हैं जिससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो अपने सतह पे काम करेगा, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर उन्होंने FBR से भी जो रिकॉर्ड मंगवाया है तो वो देख लिया उन्होंने, उसमें भी उसका जिक्र नहीं है। तो ये अब इमरान खान साहब जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) तो साथ साथ चले भीगा, लेकिन हकायक छुपाने के जुर्म में, करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में इनके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई करने का आईनी और कानूनी तौर पर मजाज है। अब वो क्या फैसला करते हैं, फुल कमीशन करेगा, उनको चार्जशीट किया जाएगा, उनको तलब किया जाएगा, वो हसबे महमूल जैसे उनकी आदत है कि वो किसी इदारे में पेश नहीं होते, जवाब नहीं खतों को देते नहीं है, नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी सारी कार्रवाई जो उसने 30 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करनी है। कि जब वो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जब एक रेफरेंस आ जाता है तो वो उसका 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना होता है। अगर वो नहीं पेश होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शक तरफा तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज है। और अगर बहुत सीरियस केस है, कल मैंने सारा वो मालूमात हासिल मैंने की थी इलेक्शन कमीशन से अपने इजराए के हिसाब का जो होता है, क्योंकि मैं वहाँ फेडरल सेक्टर रहा हूँ, तो मैंने पूछा था उनसे ये क्या मामला हुआ है। पहले तो मैंने सोचा कि ऐसे ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में शायद किसी कौमी असम्बली के मेंबर ने या किसी वजीर ने भेजा है, फिर उन्होंने कल मुझे बताया कि नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और जिस तरह के आपने देखा है फॉरन फंडिंग पर बाद में बात कर लेंगे, ये पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि मामला बहुत संजीदा भी है और खतरात की घंटी बड़ी अहम बजेगी। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला करेगा तो वो फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही चैलेंज किया जा सकता है, और तो कोई फॉर्म नहीं है। अच्छा, इसमें कोई अपील हो सकती है? अपील होगी ना, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास रेफरेंस पे अपना फैसला करेगा तो उसके खिलाफ अपील करने की इजाजत है, कानून में लिखा हुआ है, आईन में लिखा हुआ है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अपील के लिए पाबंद है कि वो उनको बड़ा अच्छा खासा टाइम दिया गया, उनको 90 दिन का उनको दिया गया कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने ये फैसला करना होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ जो अपील आई। ठीक है सर। अच्छा, ये फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस जो आप तो कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, बहरहाल के पीटीआई जो है वो कुछ जवाब दे रही है मीडिया में और मीटिंग्स में कि गैर ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों को भी गैर मुल्की डिक्लेयर करार दे दिया गया। बीनिश फरीदी साहबा जो कि मुमताज शायर मुर्तजा बरलात साहब की साहबजादी हैं, उनका वीडियो भी वायरल हुआ, वो टेलीविजन शोज में भी आई कि जी मुझे भी गैर मुल्की डिक्लेयर करार दे दिया। फिर कुछ तौजीहात पीटीआई के एडवाइजर्स ये पेश कर रहे हैं कि गैर मुल्की पाकिस्तानियों की जो कंपनियां थी उसको भी उन्होंने उसमें शामिल कर दिया कि ये गैर मुल्की कंपनियां हैं। तो ये अगर फ्लाज जो हैं उसमें कहीं वो पेश कर देते हैं जवाब के तौर पे, वो कितना इफेक्टिव होगा? मैंने इसके बारे में भी कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मालूम की है जी। मैंने कहा ये मीडिया पे आ रहा है कि इस तरीके से हो रहा है, उन्होंने कहा ये हमने जितने की जिक्र किया है जिनके नाम आ गए है हमारी रिपोर्ट में हमारे फैसले में जी, वो इससे पहले हमने नादरा से इंक्वायरी करवाई और नादरा ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन सब के बारे में ये कहा कि ये सब गैर मुल्की हैं, ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उन्होंने बकायदा सर्टिफिकेट दिया इनके नाम कि उन्होंने इसका जिम्मेदार आइंदा तो नादरा भी इसका जॉब तो नहीं देगा, उन्होंने लिख कर दे दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि ये गैर मुल्की है, ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है, इनका पाकिस्तान से लेन देन कोई नहीं है, नादरा की रिपोर्ट है। एक और जस्टिफिकेशन जो कल इमरान खान साहब ने दी जिस वक्त वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे थे वीडियो लिंक से कि जी गैर मुल्कियों से कंपनियों से माफ कीजिएगा गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लेना 2012 में गैर कानूनी नहीं था और ये पाबंदी 2017 में लगी है, तो अगर उस टेन्योर से पहले उस पाबंदी से कबल कोई डोनेशन लिए गए हैं ये कानून बना था जून 2002 में पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002, उसमें सारी पार्टियों को पाबंद किया गया था कि आपने जो ये कहता ला बना था कि हाँ वो ला बना था यानी पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002, और वो उसमें ये सब चीजें जिसपे इमरान खान के खिलाफ फैसला आया है वो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 का आर्टिकल 6 के तहत आया। अच्छा, वो उसके तहत इसके बाद मैं इमरान खान साहब से मुझे बड़ी हैरानगी हुई, इससे पहले पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 62 नाफज अमल था जो प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में नए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इसको नाफज किया था और वो चलता रहा जून 2002 तक। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने उस जो था पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 62 उसको उन्होंने मनसूख कर दिया और उसकी जगह पर ये आया पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 और इसको मर्ज कर दिया आपके इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204 में, ये अक्टूबर 2017 में। ये तो कंटिन्यूस चीजें आ रही हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो इसको मुझे बड़ी हैरान भी हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब रहे उनको ये पता ही नहीं था। इसके बाद जो इनके जो फाउंडर मेंबर थे अकबरस बाबर साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए इमरान खान साहब को 2009 में 10 उनको ये बार बार कहा और सब ईमेल हमारे पास भी है तो उन्होंने ये कहा कि जनाब आप ममनुआ फंडिंग केस में की दलदल में फंसते जा रहे हैं और आप जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 का सेक्शन 4 है 206 है पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 का जो सेक्शन 6 है उसके जद में आ चुके हैं तो उसके ऊपर उसने इंक्वायरी की, उसमें आरएफ अलवी साहब सेक्रेटरी जनरल थे सबको बुलाया मशवरा किया और कुछ सारे कसकत है ये इसका सारे बात ये कहना कि ये तो बात में हुआ मुझे पता नहीं था, वो तो सारे आरएफ अलवी साहब हैं वो 4-5 और आदमी हैं उनकी कंसल्टेशन है ईमेल है
वो सारी अथॉरिटी पावर ने इलेक्शन कमीशन को दी थी, लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान ने इसको एक तरफ रख दिया और उन्होंने कहा इसके भाई बाद में हम इस पर गौर करेंगे या जब कोई नेक्स्ट कोई फॉर्म होगा इसके खिलाफ आप आ जाए। तो वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये तो बहरहाल इसी की बेस पर जो उन्होंने अपने सर्टिफिकेट दिया कि जी मैं इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, ये 2008 से लेकर 2013 में दिए। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं किस आर्डर के तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ। तो कोई उसी पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 के तहत ही पेश कर रहे थे ना, तो वो तो हैरानगी की बात है। और वो इलेक्शन में पाकिस्तान ने उनको शो कॉल आउट जारी कर दिया है कि आपने गलत जानी से काम लिया, झूठ बोला है और आपने आईन के आर्टिकल 17 की सब सेक्शन सब जहरी जो शिक है 3 के मुताबिक आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपनी पार्टी के असासे जो है उसको आपने नहीं पेश किए, डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए और जो दिए वो हकायक के बरक्स है। तो वो भी बकायदा उसका नोटिस जारी कर दिया उन्होंने, अशोक का नोटिस दिया है और वो भी इसी मामले में इलेक्शन में पाकिस्तान जो है इनको तो आर्डर जारी करेगा, दो पॉइंट आर्डर जारी करेगा। पहला पॉइंट जो ममनुआ फंडिंग है जो तकरीबन 70-80 लाख डॉलर के लगभग बनती है, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है वो जब्त करने के उन्होंने शिकायत दी है और साथ ही उन्होंने शिकायत दी है कि आपने जो हमें डॉक्यूमेंट दिए उसमें आपने झूठ बोला है, गलत काम किया है, करप्ट प्रैक्टिस के जरिए में आप आते हैं, आपने सही हकायक हमें बयान नहीं की। तो ये सारी चीजें वो भी इलेक्शन में पाकिस्तान के पास है। और तीसरा आइटम जो इलेक्शन में पाकिस्तान ने एक्शन लेना है, जब ये फॉरन ममनुआ फंडिंग केस जो है ये जब्त हो जाएगा अपनी लीगल कार्रवाई करने के बाद, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पार्टी का सिंबल वापस लेने का मिजाज, बस और कोई अख्तियार नहीं, ये अख्तियार। अच्छा सर, ये जमात पर पाबंदी की बातें भी गर्दिश कर रही हैं, कोई काबीना की मीटिंग में भी कल कुछ इस पर गुफ्तगू हुई, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि किसी जमात पर पाबंदी का रेफरेंस उस वक्त भेजा जा सकता है जब वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल दुरुस्त। ये पार्टी बैन नहीं हो सकती, ना पार्टी कर्दम करार दी जा सकती है। वो तो स्टेट के खिलाफ की कार्रवाई करे, कोई टेररिस्ट का मामला करे, लेकिन एक थोड़ा सा ऊपर का जो एक शिक है आर्टिकल 17 का जो शिक 3 जो है उसमें लिखा हुआ है कि वो पार्टी जो अपने रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उसको छुपाए या इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसकी कार्रवाई वही हो सकती है, मैंने अर्ज किया उसका सिंबल वापस किया जा सकता है। जब सिंबल वापस हो जाता है उसकी पता, फिर वो ऑटोमेटिक उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान सिर्फ एक काम करेगा, हमने आपका सिंबल वापस ले लिया, बस खत्म। जब सिंबल वापस हो गया तो पार्टी की जमीन पोस हो गई। लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं पार्टी को कर्दम करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जवाब ही नहीं पाता। वो तो कोई नेशनल टेररिस्ट में हो या पाकिस्तान इंटेग्रिटी को सॉवरेंटी के लिए चैलेंज कर रहे हो उसके लिए होता है। ये इस तरह के ममनुआ फंडिंग के बारे में तो सिर्फ सिंपल वापस लेके उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन के पाकिस्तान मनसूख कर सकता है, बाकी पार्टी बरकरार रहेगी, लेकिन सिंबल नहीं मिलेगा। सिंबल के बगैर जो इलेक्शन लड़ेंगे तो अपने आजाद उम्मीदवार की ऐसी इलेक्शन लड़े, लेकिन पार्टी सिंबल जो है वो इलेक्शन के पाकिस्तान नहीं देगा। आजाद उम्मीदवार को तो मिलता रहता है, सिंबल को ले लें। कुंवर साहब, इलेक्शन कमीशन ने इस केस में कोई जरा नहीं की, अगर आपकी नॉलेज में हो तो मुझे यस या नो कर दीजिएगा। दूसरा ये है कि स्टेट बैंक समेत किसी नुमाइंदे को तलब भी नहीं किया गया, फैसले में जो हमने पढ़ा है उसमें किसी गवाह या जरा का जिक्र नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी ने सब जरा कर चुकी, उसमें यहाँ जरा करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। वो जरा जो है वो 1.5-2 साल तक स्क्रूटनी कमेटी में स्टेट बैंक को पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर तरीन ऑफिसर ग्रेड 22 के लगभग थे, वो उसके मेंबर थे। और इसके जो जितनी भी इंक्वायरी की है, जितना भी मोना फंडिंग का रिकॉर्ड पेश किया है, जो दस्तखत किए हैं वो स्टेट बैंक की तरफ से आए हैं। और नंबर 2, इसके साथ साथ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का ग्रेड 22 का ऑफिसर जो था वो स्क्रूटनी कमेटी का मेंबर था। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के भी ग्रेड 21 के ऑफिसर थे, उसके मेंबर थे, चेयरमैन थे। और इसी तरह अकाउंटर जनरल पाकिस्तान और इसके साथ साइड पे नादरा की खदमात भी हासिल की हुई थी। FIA की भी इंक्वायरी वो भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन वो साथ साथ थे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो स्क्रूटनी कमेटी में मेम्बरान थे, जितनी भी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने दी लिखा हुआ है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है,
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो नहीं किया ना, न्यूजीलैंड या बर्तानिया या अमरीका या फिनलैंड या कनाडा, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को हुक्म जारी किया, ऑर्डर जारी किया कि फंड भेजे, रिकॉर्ड भेजे। उसमें एक और बड़ी अहम बात है कि वो इमरान खान साहब को पता नहीं इस दुनिया में आबाद हैं, बसते हैं, मतलब चले रहे, अच्छे दोस्त हैं, आपके जरिए मैसेज चल रहे हैं, हम भी बार बार उनको मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, हम आपको तनकीद नहीं कर रहे हैं, आपको तनकीद करना तो हमारा फर्ज ही नहीं बनता, किसी पार्टी में नहीं है, हम तो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के तहत आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप समझें ये बड़ा सीरियस मसला पैदा हो चुका है उनके लिए। जहां एक आज ये स्पीकर ने भेजा है रेफरेंस, एक और बड़ा अहम है आपको बताता हूँ, एक अहम बात ये हो गई है कि जो 11 अकाउंट ऐसे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को भेजा, उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई 36-40 करोड़ रुपया जो है ये बाहर से आया, ये 11 इसके अकाउंट होल्डर है, जिसमें मियां अब्दुल रशीद साहब हैं, इसके बाद शाह फरमान जो गवर्नर भी रहे, नंबर 3 ये असद कैसर है स्पीकर रहे, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर रहे, ये कोई सीमा जिया कोई खातून का मैं भूल जाता हूँ कौन सी खातून है वो, उसका भी नाम आ गया। उसके और कोई शख्सियात है जो 11 है ये, इनके फंड में इनके अकाउंट में 40 करोड़ रुपए आया बाहर से, वाली हमारे पाकिस्तानियों ने बड़े सादगी में पैसा बारिश की तरह फेंका आपके पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, वो सलूट करते हैं पाकिस्तानियों, बोलो दिया तो पाकिस्तानी होंगे बेचारे, ममनुआ तो नहीं होगा ये बातें, ये जो मैं आरज करूँ ममनुआ नहीं है, ये पाकिस्तानी पैसा आया है। लेकिन इनको इन जब जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन ने जब इमरान खान को लेटर लिखा कि ये 11 अकाउंट स्टेट बैंक ने भेजे हैं, ये आपकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, इन्होंने ये पैसा आपका अपने अकाउंट में जमा कर दिया, तो वहां से खत आया वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी फैसले में भी लिखा कि मैं इनको नहीं जानता ये कौन है, इन्होंने ये खुद ही है, मेरी तरफ से मुझे नहीं मालूम ये बेनामी अकाउंट है, ये इनके नाम से अकाउंट है, इन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, तो मैं इनको नहीं जानता, मैं इनसे लातवाल की इख्तियार करता हूँ। इस पर फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये किया, उनके सारों के सब मेंबर है, गवर्नर भी रहा है, उनके मेंबर कमीशनरी के हैं, स्पीकर रहे हैं, उन सबका रिकॉर्ड तलब किया, उनके सबका रिकॉर्ड जो तलब किया, उन्होंने अपने सालाना गोशवारे में इस पर्सनल अकाउंट में जो पैसा आया उसका जिक्र भी किया, उस पर भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नोटिस जारी कर रहे हैं, जहाँ अपने यहाँ कैश पाए ये भी सारे दायर होंगे, कहायात नायर होंगे, ये सारे जितने नाम का रिकॉर्ड साबित हो गया और पार्टी से ज्यादा हो गई, तहरीक जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये है जनाब इसके अंदरूनी जो चाल पिछा हुआ है ना मकड़ी की चाल की तरह, ये बहुत बड़ा मामला है। इस पर इमरान खान साहब को हमने भी कल रात उनको मैसेज दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन पर आप हमला करने की बजाय या एतराज करने में अपने अंदरूनी पार्टी के सेटअप में देखें किन किन लोगों ने आपको अंधेरे में रखा, आप इस फैसले के साथ सिब्रो कोर्ट पाकिस्तान में जाए, और सिब्रो कोर्ट पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा है हमारा, जहर है सिब्रो कोर्ट के मुकाबले कोई भी नहीं है, उसका इलेक्शन कमीशन भी उसके अंदर ही है, तो वो सारी चीजें वो देखेगा और खोज करेगा, तो फिर आप इस वहां से अपील लें, रिलीफ हासिल करने की कोशिश करें, ये जो जलसे जुलूस कर रहे हैं इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरे का साथ मैंने बताया था कि जी आप 10 लाख आदमी ले आए इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा कर दे, राणा सुनाला कुछ भी ना कहे, 10 लाख आदमी बाहर खड़ा कर दे रेड जोन में, तो क्या असर पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, वो आपके कहने में इस्तीफा तो नहीं देंगे। तो ये चीजें अपने हालात को देखें, अपने हम आपके जरिए खुदा करें कि हमारी बात उन तक पहुंचे, हम उनके दोस्त हैं, हम उनके चाहते हैं कि अपने हालात ठीक कर लें, पाकिस्तानी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की आवाम भी मोहब्बत करती है, ओवरसीज पाकिस्तान भी आपसे मोहब्बत करते हैं, तो उनके उनके जज्बात से ना खेलें आप, इन लोगों जो 11 अकाउंट होल्डर को डिसमिस करें, पार्टी से निकालें और उसे कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के जरा इन लोगों को नाहिर करार दे दें, मेरा कोई इतराज नहीं, उन्होंने धोखा दिया, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हमायत कर रहे हैं, वो इमरान साहब अपना जब वो बकायदा अपने जो है जलसे में जलूस में वो एक गाना गाता है, उसको गाने की भी शर्म नहीं आती, वो तब्दीली औरतों में खड़े होकर तब्दीली वो गाने गाता है, डांस करता है, शर्म नहीं आती उस आदमी को, तो औरतों के मजमे में खड़े हो क्या बात कर रहे हो। इस पर इमरान खान को तो बंदे बहुत मिल जाएंगे, बड़े बड़े काबिल तरीन लोग उनको मिले, इनको निकाले बाहर करें, उनकी पोजिशन मजबूत हो जाएगी, तो 40 करोड़ रुपया लेके हमें पता भी नहीं चला पार्टी ने, तुमने अपने महारा से तमीर कर रही है पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों पर पैसे, मामले में आपकी खिदमत में अच्छा हो गया,
वन टू वन से मुलाकात में हमें भी ख्याल करने का जहर हो गया। हम इमरान खान साहब को बड़े अच्छे तरीके से हम उनके फ्रेंडली माहौल में बताना चाहते हैं, हम आप पे तनकीद नहीं कर रहे, आपके लोगों ने आपको धोखा दिया। अच्छा सर, वो काबिल आदमी तो मिल जाएगा पर इतना सुरीला गाना नहीं गा सकता काबिल आदमी जैसा इमरान इस्माइल गाते हैं। पर वो गाना क्या गा रहा है, और तो अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े होकर उसको डेथ होगी कैंसर वैंसर में, और ये गाना गाया करता था एक गवर्नर किया नाम था, सुबह सिंध का जो था क्या हमारे तो परवेज मुशर्रफ साहब भी कानों के बड़े सुरीले थे और उनका भी राग बड़ा पक्का था। अच्छी बात है, जब लिबरल रैप होती है आदमी रिलैक्स होता है, गाने गाए अपने सर पे ग्लास रख के गाने गए, वो अच्छी बात है। हर रोज थोड़ा टेंशन में रह जाता है, ऐसे आदमी लिबरल होते हैं, ये सैडिस्ट नहीं होते हैं ऐसे आदमी। हम लोग सैडिस्ट ही वैसे, लेकिन मसला ये कहने की बात ये, वो भी हमारे दोस्त हैं सारे, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, जरा एहतराम करते हैं तो, लेकिन मसला ये थोड़ा आपात हो गई। इमरान इस्माइल का तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो बाहरी तब्दीली बात तब्दीली आए तो दिया क्या है इमरान खान के, तुम क्या चेयरमैन पर्सन बने हो यार, फुट पॉलिश करते रहते हो, ये तो बात ही बनते, वो तो बड़ा लीडर है, उसको वो हंसता होगा कि बेवकूफ है, अंदर से दिल में तो हंसता ही होगा। और सर ये फरमाइए कि दूसरी पार्टियों का स्क्रूटनी भी चल रही थी और अदालत ने एक वक्त में ये भी हुक्म दिया था कि तमाम, क्योंकि वो ये इनकी प्ली थी पीटीआई की कि तमाम पार्टियों का एक ही बार फैसला सुनाया जाए, पर वो एक इशू शायद अब ये अपीलों में डिस्कस होगा। ये चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूँ, वो ये है कि दूसरी पार्टियों ने भी बैरून मुल्क कंपनियां कायम की हुई हैं। मेरी इतलात के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त भी पीटीआई के अलावा पीपल्स पार्टी, एमपीएम पाकिस्तान और जनरल सरगत परवेज मुशर्रफ की एपीएमएल, उनकी भी कंपनियां अमेरिका में रजिस्टर्ड है। एक कंपनी पीएमएलएन की बर्तानिया में 17 सितंबर 2015 से लेके 26 फरवरी 2019 तक कायम दायम रही, अगरचे वो ये कहते हैं कि उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अब ये मैं दोनों पहलू आपसे पूछना चाहूंगा, एक कि दूसरी पार्टियों के साथ भी फिर यही कुछ होगा जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किए अकाउंट्स आउटसाइड द कंट्री या अब्रॉड, और कोई फंडिंग उन्हें हुई वो भी मैटर सामने आएगा। और दूसरा अगर ये कह दे कोई कि वो कंपनी तो हमने खोली थी, ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुई, अगर वो कंपनी डिक्लेयर नहीं हुई भी पार्टी के गोशवारों में या कहीं, फिर क्या पोजीशन होगी? नहीं, बात दुरुस्त है, चीफ जस्टिस आकब निसार साहब ने जो जजमेंट दी थी, मेरी भी कोई कुछ दिनों पहले उनसे बात हुई थी, मेरे दोस्त है, नाइस आदमी है, आजकल दोहरा आदमी के खिलाफ एक बंडा शुरू कर देते हैं, बड़े नाइस आदमी है, तो उन्होंने मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा, मुझे खुद बताया कि मैंने ऑर्डर पास किया था, मैंने कहा जी मैंने पढ़ा है आपका ऑर्डर, तो उस पर ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके लिए लहदा एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी, और उस स्क्रूटनी कमेटी वो साथ साथ पहले तो एक तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी कमेटी पे काम कर रहे थे, लेकिन उसका भी सारा साथ साथ एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई, और वो कायदा उसको देख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, वो भी बकायदा उसमें इंक्वायरी भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं इसके ऊपर वो भी, लेकिन उन्होंने ये कहा था इकट्ठा करते हैं, मर्ज करते हैं इसके साथ ही फैलवा, उसको इलेक्शन कमेटी पाकिस्तान का जी हमारी अलहदा स्कूटनी बनेगी, इसकी अलहदा बनेगी, ये 2014 में आई है, वो 2017 के एंड में आई है, वो बड़ा उन्होंने तहरीक साहब ने अपना एक बड़ा अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन अपना केस जो था वो इलेक्शन कमीशन में, तो मैंने केस पढ़ा है वो सारा, हमारे सारे जानने वाले ही है ना, वो सारा केस मैंने पढ़ा था देखा था, उस पर इलेक्शन कमीशन उस जमाने के थे चीफ इलेक्शन कमीशन सरदार आजम, तो उन्होंने बकायदा स्क्रूटनी कमेटी बना दी, उस पर फिर लहदा केस चलता रहा, वो लहदा केस चलता रहा, अब जो इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए जगह जगह, ये इन्होंने पहली बात ये है कि तहरीक साहब ने स्टे बहुत किया, 75 दफा तो मौकर से पकड़ा डेफर कराया,
और इसके बाद उन्होंने 4.5 साल पौने 5 साल तक इस पर स्टे हाई कोर्ट उसे लेते रहे। इसके बाद उन्होंने ये जो बात आप फरमा रहे हैं जिस पर उन्होंने बाकायदा तहरीक इंसाफ के असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी पटिशन, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने का जवाब में अलाशिक में पाकिस्तान ने कहा हम इंक्वायरी लदा कर रहे हैं, इसको इकट्ठा मर्ज नहीं करेंगे, कलब नहीं करेंगे, वो पुराना 2014 केस या 2018 केस है, हम इसको लदा रदा करेंगे। अगर हमने इसके साथ शामिल कर लिया तो फिर आगे 4-5 साल तक भी जो है अपना फैसला नहीं कर सकेंगे, पहले काफी देर होगी। मगर ठीक है, राइट, फैसला दे दिया, आधी चीज आधा बजट बात करते रहे हमारे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी उनके खा उनकी अपील जो थी, जी आप अपना काम जारी रखें। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भी हमें जो सारा केस पड़ा है, उन्होंने बड़े जज्बत दिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस ज्ञानी थे सर उमर अवर ज्ञानी राव, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो हमने सारा केस पढ़ लिया, जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगा वो पार्टी पर भी असर पड़ेगा और पार्टी के चेयरमैन की साख भी मुतासर होने के इम्कान है। इस केस को हमने पढ़ लिया, देख लिया, वो भी जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूद है। तो ये जनाब बड़ा बाकी जो आपने फरमाया उसका भी 2-3 महीने में क्योंकि बड़ा प्रेशर पड़ गया है और इन्होंने फिर ये किया 3-4 महीने पहले, मुझे पता है कि उन्होंने ऑर्डर जनरल ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था कि अपना ग्रेड 22 का आदमी थे, उन्होंने कुछ लेट के कुछ किया, कुछ ऑफिसर नहीं मिल रहे थे उनको, लेकिन 2-3 महीने पहले उन्होंने अपना ग्रेड 22 का एक हाई कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो था वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपने उनको खिदमत दे दी, वो भी सब इंक्वायरियां कर रहे हैं। और ये जो आप फरमा रहे हैं ये सारी पार्टियां जो है इसी में आज ये बाकी गवर्नमेंट जो है मौजूदा ये बड़ी खुशी का इजहार कर रही है, लेकिन कल को जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वो जो जजमेंट आएगी उससे भी बहुत से लोगों की आंखें खुल जाएगी, नींदें आराम हो जाएगी। इलेक्शन में पाकिस्तान बहुत अच्छा फैसला हो गया, सब पहले सियासी पार्टियां गौर ही नहीं करती थी, असासे आए जमा कराए आठ जो भी उनके चार्टर कौन दस्तक किए करवा दिए, अब नहीं, अब सब पार्टियों का हिसाब किताब दिया जाएगा, ठीक है। एपीएमएल का नाम नहीं है उसमें, वो वैसे तो हमने सुना है जैसे आपने पढ़ा मैंने भी पढ़ा है, लेकिन उसमें अंदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्लियामेंटेरियन और इसके बाद पाकिस्तान नवाज शरीफ की पार्टी है और इसके बाद फजल रहमान की पार्टी का भी सुनने में आ रहा है वही पार्टी है, उनको भी चेक किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल एपीएमएल का नाम उसमें नहीं था। छोटी सी पार्टी खत्म हो गई, बारिश हो गई, खत्म कर दी उसने, उन्होंने अपने सवाल गोशवार जमा नहीं करवाए थे, उन्होंने उस पार्टी का सिंबल भी वापस दे दिया। तो कुंवर साहब आपके कहने का मतलब यह है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अल्लाह करे मेरे दोस्त, मेरी बात ये हम लोग तो इतने अपना वक्त लगा रहे हैं, आप भी वक्त लगा रहे हैं, हम भी 15-30-30, अल्लाह ताला का शुक्र है कि तमाम चैनल जो है मेरी बात को सुनता है, गौर खोज करता है, क्योंकि हमारा किसी से लेन ताल्लुक है नहीं, दोस्तों ताल्लुकात हमारे सबके साथ है तो वो, लेकिन उसमें हम तो मशवरा देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, तो वो आपको मैं छोटी सी जलते जलते एक बात आपने शुजात के बारे में बात करनी है, लेकिन मैं उसमें आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके जब एक थोड़ी सी बात मैं कर दो, एक दफा एक शादी फंक्शन में मुलाकात हुई मेरी आसिफ जरदारी से, तो मैं साइड पे खड़ा हूँ, तो मैं कहा क्या मिल रहा, तो वो आसिफ जरदारी ने मुझे देखा, कहने लगे दिशा साहब कमर साहब कमर साहब क्या बात है आप मेरे साथ नहीं आ रहे आप, जी मैंने आपके खिलाफ बड़े स्टेटमेंट दिए, तो मुझे मुझे एहसास हुआ नहीं आपने मुझे गाइडलाइन दी, आपने टिप्स दिए हैं, आपने क्रिटिसाइज नहीं किया, ये होती है एक सियासतदान की गुफ्तगु का अंदाज, इसलिए मैं आज कल हम लोग सिर्फ टिप्स देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, किसके समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ आए तो उसकी किस्मत है। मतलब वो आप तो हकीमी नुस्खा लेके बैठे हुए हैं कि जिस जिस मरीज का दिल चाहे आपसे मिले। जी बताइए। अच्छा सर ये बयान हल्की और सर्टिफिकेशन की बहस चल रही है, जरा मुख्तसरन इस पे कुछ रोशनी डालिएगा। अल्फिया बयान वो होता है कि जी मैं बकायदा वो खाता हूँ, वो बड़ा उसकी इम्पोर्टेंट होती है, उसकी भी बड़ी बहुत ज्यादा उसकी अहमियत है और उसकी अल्फिया बयान ये, लेकिन जो सर्टिफिकेट हो या तस्दीक नामा हो या इकरार नामा हो ये भी उसके बराबर बराबर ही है। अगर वो भी देखो जी बात ही जब आप कोई अपना कोई जायदाद खरीदते हैं और बात करते हैं उसको मैं हल्फिया बयान देता हूँ, आप उसका इकरार भी दस्तखत कर देते हैं, अगर आप अपने गलत आपने गलत दस्तखत किए हैं तो केस बन जाता है आपके खिलाफ, फ्रॉड का केस बन जाता है, तो ये तो केस तो बनता है, इसने इकरारनामा हो तस्दीक नामा हो तो दस्तखत तो कर दिए, सफेद कागज पर भी दस्तखत करते हैं, जब मैं ये लिख कर देता हूँ इसके अंदर कोई मेमो फंडिंग नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स है,
वो तो बकायदा वही है, हल्फिया भी है, वो भी है। वो जरदारी साहब ये कहते थे कि वादे, वादे वादे कौन से कुरान हदीस होते हैं, यहाँ इन्होंने ये कह देना है कि सर्टिफिकेशन कौन सी कुरान और हदीस होती है, वो तो कह रहे हैं बस हमने तो... वो ये इस पर नहीं कह सके, इस पर इलेक्शन कमीशन ने करना कुछ तलब करेगा, पूछेगा ये दस्तखत तुमने किए हैं, आर्टिकल 17 की लापरवाही की है, तो वही इनका दम कम खत्म हो जाएगा। अच्छा एक ये तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर इन्होंने रेफरेंस भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और फिर वापस भी शायद दे दिया कि वो उसमें कुछ और मटेरियल ऐड करना चाह रहे हैं प्रॉब्लमली, लेकिन अगर यही रेफरेंस कभी एक हफ्ता पहले दे देते चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इसलाई के अदम एतमाद, तो वो शायद असरअंदाज हो सकते थे केस पर, ये एक साइड लाइन पर बात हो रही है। नहीं वो मैंने ये मैंने पता किया था, मैंने पूछा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से ही पता किया था मैंने इस तरह के बात में, हमने अपनी कार्रवाई तो मुकम्मल करते जा रहा था। जब जो सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट में कार्रवाई 2-3 महीने लग जाते हैं, शो कॉज नोटिस होता है, तलब होता है, बड़े शो का नोटिस होता है, पर जवाब तलब करते हैं, तो फिर वो चीफ इलेक्शन कमीशन का जवाब तलब करते हैं, वो जवाब का जवाब देते हैं, इसके पास जाके सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट में इस पर हियरिंग होती। फिर काजी फैज ईसा साहब के तरफ में केस किया और मैंने ये पर सबको जगह मैंने आपने बताया कि जो ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अगर केस किया चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इनके पास बहुत मटेरियल है और चश्म कुशा मटेरियल है, कुछ पता हमें ही पता है, चश्म कुशा है, हम ये कहेंगे जनाब ये पद नीति के तहत हुआ है। अभी तो मेरे खिलाफ ये 2-1.5 साल से जो है मेरे खिलाफ कंप्लेन चला रहे हैं, शरंगेज ग्रुप कर रहे हैं, नहायत ही गैर मुजबाना गुफ्तगू मेरे खिलाफ कर रहे हैं, तो बदनीति है, इसी पर ये बदनीति पर ये केस खारिज होएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में या सेक्रेटरी ऑफिस में आगे जाएगा, क्योंकि फैज ईसा में फैसला हो गया था, फैसला कि ये एफटीआर ने हमारे अभी केस दाखिल भी नहीं हुआ था, इन्होंने उनके खिलाफ पहले कंपेन चला दी, इसी बना पर उन्होंने काजी फैज ईसा साहब का जुडिशियल कमीशन जो गया था कौन सा किस खारिज करके ये लिख दिया था कि पद नीति पर दिया गया है। अच्छा। तो यहाँ भी पद नीति के तहत खारिज हो जाएगा। ठीक सर, ये कासिम सूरी साहब ने उच्च इस्तीफे 130 या 31 इस्तीफे जो थे पीटीआई के वो मंजूर करके गए थे, राजा परवेज अशरफ ने उन इस्तीफों को रोक कर क्या इख्तियारात से तजावुज किया? नहीं, वो दरअसल बात ये जो हमारा जो आर्टिकल जो है 164 ही है गवर्नमेंट, तो उसने जो उस पे लिखा हुआ था कि इसमें दो लाइन लिखी हुई है कि अपने बाई हैंडराइटिंग पे दो लाइन लिख करते जी मैं इस्तीफा देता हूँ कमिश्नर सेंटर से, तो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट उसको तस्लीम करने का पूरा वादा इमीडिएटली, लेकिन उन्होंने अपने रूल बना लिए, अपने जाती मफादात अपने तहफात अपने करने के लिए अपने रूल बनाए, फिर उन्होंने कौमी असम्बली ने सेनेट ने अपने रूल बनाए, अपने जाती फसाद होते हैं यार, इस्तीफा देते रहते हैं, 5 दफा कबूल ना करना पड़ते, अगर रूल ना बनाते तो 5 मिनट में रूल तो है इस्तीफे कबूल करना आइन के तहत लाजमी था, रूल में ये लिखा हुआ है जी आप उनको बुलाए पूछे, आपको कोई प्रेशर तो नहीं डाला, कोई तरगीब तो नहीं दिया, आपको डराया तो नहीं दिया, लालच तो नहीं दिया, वो एक रूल है। इस पर उसकी आड़ में कासिम सूरी तो सब फैसले उजरत में किए रहे, वो तो अपने अजीब गरीब शख्सियत का हावल था वो तो। लेकिन एक और बड़ी बात कर गया मैंने बाद में, पूरा टीवी सी पे बड़ा कहा जी हमने इलेक्शन कमीशन में बात किया, तो मैंने सेक्रेटरी इलेक्शन सिपाही जो सेक्रेटरी कमीशन से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने तो वहां तो नहीं भेजा था पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को। फिर मैंने इलेक्शन कमीशन पूछा, तो चीफ साहब ने मुझे खुद कहा जी हम तो बार बार पूछते रहे सेक्रेटरी कौमी असेंबली से, टीवी पे आ रहा है आपने मुझे भिजवाए किधर गए वो, अरे जी अभी तो नहीं भिजवाए। तो इसके बाद वो जनाब वो राजा परवेश्वर बिल्कुल आयन और कानून के मुताबिक रूल्स के मुताबिक उठे जी, मैं सबको बुला के पूछूंगा आपको कोई तरगीब लालच तो नहीं दिया गया आपको, रिक्वायरमेंट है उसकी अपनी कौमी असम्बली की या सैनेट की, उसमें जो 11 आदमियों जो इस्तीफे कबूल किए वो लोग हैं जो फ्लोर पर खड़े होकर हमें इस्तीफे दे दिए सर, उन्होंने कहा ठीक है तो फारग हो गए। सर सर मेरे पास सिर्फ कोई 10-20 सेकंड बचे हैं, ये सारी चीजें आपके सामने पेश हो गई सर, ये तो ठीक है ये भाई, अब ये चूंकि मामला जा रहा है ये हाई कोर्ट में भी इन्होंने दरख्वास्त की इस्लामाबाद कोर्ट की हमें सबके इस्तीफे कबूल किए जाए, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर कर दे कि स्पीकर को भी सबके इस्तीफे मंजूर करके भेजे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, सबके मंजूर हो जाए। बहुत शुक्रिया जी खवातीन हजरात, ये था आज का प्रोग्राम, बड़े तफसील से कमर दिलशाद साहब ने इन कानूनी अमूर की भी तशरीहात फरमाई, उन्होंने
जो सवालात हमारे जहन में थे उनके भी बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मुकीम अहमद को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।